नमस्कार दोस्तों, वाईफाई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं असलम खान आप सभी का फिर से स्वागत कर रहा हूं। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन की शुरुआत मैंने आपको जो की है, इसका कुल मिलाकर ये आज पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने की इसका भाग दूसरा बच्चों, यहां पर इसके बात करेंगे। तो पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने के लिए ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने एक पार्ट बना दिया है वीडियो, अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने की पहली भाग को देखिएगा। आज उसी क्रम को हम लोग आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर टू के बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल नंबर टू में क्या कह रहा है। एक्स वाई जेड की पूंजी क्रम से, एक्स वाई जेड की पूंजी क्रम से बच्चों कह रहा है 20,000 रुपया, 10,000 रुपया और 4,000 रुपये है, जिस पर उन्हें प्रतिवर्ष, ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पर 5%, इस बात को ध्यान रखिएगा, 5% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व जो कह रहा है, आपका जो प्रॉफिट कह रहा है वो कुल मिलाकर कह रहा है 1,100 रुपया है। साझेदारों की पूंजी खाता आपको यहाँ पे तैयार करना है और लाभ हानि खाता तैयार भी करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी तैयार करना है। यहाँ भी कुछ कंडीशन मेंशन किया है। पहला कंडीशन कह रहा है जब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और लाभ और हानि को बराबर बांटेंगे बच्चों। यहाँ की जब पूंजी पर जब ब्याज फर्म चुकाएगा तो फर्म का हानि होता है और इसका जो प्रॉफिट और लॉस जो फ्यूचर में बांटेंगे वो क्या हो जाएगा, इक्वल, अर्थात लाभ होने पर भी वो समान बांटेंगे और हानि होने पर भी समान। कंडीशन जो इसकी दूसरी की बात करें तो दूसरा कंडीशन करा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर, जी हाँ, कि पूंजी पर ब्याज यहाँ नहीं दिया जा रहा है। जब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा तो फर्म किसी प्रकार कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा और लाभ और हानि को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर मैं पूंजी की बात कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ यहाँ पर पूंजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पूंजी की बात में कर रहा हूं यहां पर, ये ध्यान रखिए मैंने कहा 20,000, 10,000 और 4,000 रुपये, इसी के अनुपात में दूसरे कंडीशन में कह रहा है पूंजी पे ब्याज नहीं दिया जाएगा, वो लाभ और हानि को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले हम लोग कंडीशन को, केस नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। केस नंबर फर्स्ट की बात करें, आपके सामने केस नंबर फर्स्ट लिखा है, केस नंबर फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बना लेते हैं हम लोग छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको मालूम होगा ये पर्टिकुलर होता है विवरण का कॉलम, ये अमाउंट का, ये भी विवरण का और ये भी आपका अमाउंट का कॉलम होता है। देखिए यहाँ पर साफ सब आपसे पहले कह दिया है कि यहाँ पर ब्याज लगाने से पूर्व जो प्रॉफिट दिया है, ब्याज लगाने से पूर्व जो प्रॉफिट दे दिया आपका 1,100 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर बाई बैलेंस ब्राड डाउन ये आपका दे दिया है 1,100 रुपया। जब फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज चुकाएगा तो आपको मालूम होगा फर्म का ये हानि होता है, घाटा होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ थे एक्स थे, वाई थे और जेड थे। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो प्रत्येक की पूंजी है, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है यहाँ पर 20,000, 10,000, 4,000, अर्थात 20,000 का हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 5%, इसी प्रकार 10,000 का 5% निकालेंगे और 4,000 का 5% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20,000 का हम लोग जो 5% निकालेंगे तो बच्चे आएगा आपका ये 1,000 रुपया, इसी प्रकार 10,000 का जो 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 500 रुपया, और इसी प्रकार जब 4,000 का हम लोग 5% निकालेंगे, 4,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा ये 200 रुपया। तो 500, 200 प्लस 1,000 ये आपका हो गया 1,700 रुपया। ये आपका देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये वाला कॉलम आपका मीन्स डेबिट टोटल हाई है, डेबिट टोटल आपका अधिक है, यहाँ पे कम है, तो कितना कम है, तो ये आपका हो जाएगा बाय लॉस। अगर ये वाला बड़ा होता, ये वाला अगर छोटा होता, मीन्स क्रेडिट का टोटल बड़ा होता और डेबिट का टोटल कम होता, तो यहाँ लॉस के स्थान पर यहाँ लिखता मैं टू प्रॉफिट।
अब चूंकि पहले कंडीशन में पहले जो शर्त था उसमें यह कहा, ध्यान रखिएगा केस नंबर फर्स्ट में, जब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और लाभ और हानि को क्या बटेंगे यहां पर बराबर, लाभ और हानि को क्या बटेंगे यहां पर बराबर, तो जब बराबर बटेगा तो तीनों, तो बच्चों यहां पर देखो 1700 में से अगर मैं यहां पर 1700 रुपये में से 1100 रुपये माइनस कर दूं तो आपका कुल मिलाकर कितना आ रहा बच्चों यहां पर 600 रुपया, अर्थात 600 रुपये तीनों का, मीन्स एक का 200, 200 और 200 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स का, वाई का और जेड का, ये हो जाएगा आपका 200, इनका भी 200 और इनका भी 200, ये हो गया आपका 600, लो भाई आपका ये हो गया टोटल 1700, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछा था और साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूछा था, तो यहाँ मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी समझा दे रहा हूँ कि पार्टनर अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कैसे बनाएंगे। इसी क्वेश्चन का, इसी कड़ी का दूसरा भाग अगर हम लोग बात करेंगे, इसी कड़ी का हम लोग दूसरे भाग की अगर बात कर लेंगे थोड़े से, तो आइए देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार, प्रॉफिट एंड लॉस माफी चाहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो गया। अब इसी कड़ी हम लोग आगे बनाएंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो बनाइएगा यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अच्छा तीन लोग हैं तो तीन कॉलम बना दो, थोड़ा इसको चौड़ा बनाइएगा आप, थोड़ा इसको चौड़ा बनाइएगा आप, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गए यक्स वाई और जेड, इसी प्रकार इधर का ही बना लीजिए तीन कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर यक्स वाई और जेड। आपको मालूम होगा यहाँ प्रश्न में साफ साफ कहा था आपसे, प्रश्न ने आपको साफ साफ यहाँ कहा था कि उनकी पूंजी कितनी है, माफी चाहेंगे 20,000, 10,000 और 4,000 रुपया। तो आपको मालूम होगा कि जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो भी हमारी संपत्तियां होती हैं, वो हमेशा क्या होते हैं आपको डेबिट बैलेंस होते हैं, जो भी हमारी पूंजी होती है, जो भी हमारा दायित्व होता है बच्चों हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इसको सबसे पहले हम लोग उसको दिखाते हैं, यहां पर सबसे पहले यहां दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, पूंजी बन रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो सबसे पहले उनकी जो पुरानी पूंजी है 20,000, 10,000, 4,000 लिख दीजिए यहां पर 20,000, 10,000 और 4,000। सीधी सी बात है, फर्म ने इन साझेदारों को जब पूंजी पर ब्याज दिया है तो इनकम होना चाहिए। जी हाँ बच्चों बिल्कुल इनकम, उनका इनकम होना चाहिए, तो मैं यहां लिख दूंगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनको अगर मैं थोड़ा बात करूँ, इनको ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इनको जो आपका ब्याज मिला था, इनको जो ब्याज मिला था यहाँ पर 1,000, इनको 500, इनको 200, तो यहाँ मैं लिख दूँ यहाँ पर 1,000 इनका था, 500 और इनका था 200 रुपया। लेकिन इसे ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर सभी को मीन्स यक्स को, वाई को, जेड को 200 रुपए की हानि भी हुई है, तो इस हानि को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनको क्योंकि ओनर भी यही है इसलिए उनको वहन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यक्स का भी 200 है, वाई का भी 200, इनका भी 200। बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल मार लेंगे, यहाँ टोटल कर लेंगे, टोटल की बात करें तो इनका आ रहा 20,000, सॉरी माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर 20 और 21,000 हो रहा है, इनका हो रहा है 10,500 हो रहा है और इनका हो रहा है बच्चों 4,200 उनका हो रहा है। अगर हम लोग क्या करें, इसमें से 21,000 में से 200 घटाएं तो वास्तव हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का बैलेंस बच्चों कितना आ रहा है, हम लोग का बैलेंस कितना आ रहा है, तो टू बैलेंस सीडी, 21,000 रुपये में से 200 घटा देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका कुल 20,800।
इधर आपका 10,500 में 200 घटा देंगे, ये आपका बचेगा 10,300, इसमें से इसी प्रकार 200 घटा देंगे तो इनका आपका 4 का 4 ही रह जाएगा और ये बन गया आपका 21,000, 10,500 और ये आपका 4,200। इसको आप चाहे नोट कर लीजिए बच्चों, चाहे मैं स्क्रीन सामने से हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ते हुए इसका सेकंड केस अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसका दूसरा केस कहेंगे। देखिए दूसरे केस में क्या था बच्चों, यहाँ पर दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में आपसे कहा था जब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और लाभ हानि पूंजी के अनुपात में बच्चों यहाँ बांटेंगे। आइए देखते हैं इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान से इसको देखिएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केस नंबर सेकेंड की बात करेंगे, तो आइए यहाँ पर टाइटल बना लीजिएगा केस नंबर सेकंड। यहाँ पर भी फिर आपका वही प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से आप इसको चाहे फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए। अब केस नंबर सेकंड की बात करें, यहाँ भी आपको पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों छोटा ही बनता है, अधिक समायोजन पर बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ भी उसी तरह, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैलेंस आपका दे दिया है पूंजी पर ब्याज के पूर्व बच्चों, यहाँ पर दे दिया 1100, तो सबसे पहले हम लोग उसका लिखेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दे दिया आपका 1100 रुपये। बच्चों यहाँ पर जब पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे तो किसी प्रकार का कोई भी फर्म ब्याज चुकाएगा नहीं, तो ये जो लाभ है बस इसी लाभ को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बांट देंगे किसको, एक्स और वाई और जेड साझेदार को। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पर जो पूंजी का जो बंटवारा किया जाएगा वो कुछ इस प्रकार, ये है 20,000 रुपया, ध्यान रखिएगा इनका है 10,000 रुपया और इनका है बच्चों 4,000 रुपया। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 0 कैंसिल कर रहा हूँ, माफी चाहेंगे यहाँ पर, फिर से देख लेते हैं पूंजी को, फिर से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर इनकी थी 20,000, इनका था 10,000 और इनका था 4,000, 3 0 सब कैंसिल कर दे अगर, तो बच क्या रहा है 20:10:4। अगर आप चाहें तो उसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 2 20, 5 2 10 और ये हो गया बच्चों आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया कितना 2, ये आपका हो गया बच्चों 2, तो इसको हम थोड़ा लिख दे रहे हैं फिर से, ये हो गया आपका 5, तो 10 + 5 + 2 ये हो गया बच्चों आपका कुल मिलाकर 17, अर्थात 10/17, 5/17 और 2/17। इसी प्रकार इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर बांटेंगे, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इस प्रॉफिट को बांटेंगे, अगर इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ बांटेंगे तो हो जाएगा टू प्रॉफिट एक्स वाई और जेड। अगर इसको बांटेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स का 1100 × 10/17, इसी प्रकार y का बच्चों y को जाएगा 1100 × 5/17, इसी प्रकार अगर z का हो जाएगा 1100 × 2/17। इसको जो सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका, गुणा कर देंगे 11, ये हो जाएगा आपका 647 बच्चों, ये आपका हो जाएगा 647, 647 इसका हो जाएगा। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा और बच्चों इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 129। सबसे बड़ी बात ये है इन तीनों का योग एक्स का वाई का जोड़ कुल मिलाकर 1100 से देख लेते हैं, तो 7 4 11 और 9 20 0 बचा, 2 4 2 6 2 8 2 10 0 बचा, फिर आपका तो 6 3 9 1 10 1 11। जी हाँ बच्चों ये आपका हो गया भरा, बांट दीजिए यक्स का। अगर हम लोग बात करेंगे यक्स की बात करें तो यक्स का हो जाएगा यहाँ पर 647, इसका हो जाएगा
324, इसका हो जाएगा ये 129, इसका ये हो जाएगा 129, इसका ये हो जाएगा 129। लो भाई ये हो गया आपका, जोड़ दीजिए, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरे का भी, दूसरे केस नंबर सेकंड का भी प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। इसी को हम लोग यहां पर आगे बढ़कर हम लोग यहां पर इसी क्वेश्चन का, इसी केस का हम लोग एक लास्ट आपका जो टॉपिक बच रहा है वो है आपका बंदा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए इसका हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैसे इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम आपको मालूम बताए थे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पे इसका था 20,000 रुपया, एक्स का ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड बच्चों, इनका था 10,000 रुपया और इनका जेड साहब का था कितना 4,000। पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा, पूंजी पर किसी प्रकार कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो जो प्रॉफिट कमाया, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट दिखाया गया था ये सीधा 647, 324 और 129, इसको ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम लोग सीधा दिखा दें, यहाँ पर इनपुट कर दें, यहाँ पर इसको इनपुट कर दें हम लोग, यहाँ पर कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर कर दीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनका आया था बच्चों 647, इनका आया था 324, इनका आया था 129। आइए सबको हम लोग इसको जोड़ देते हैं, इसको अगर जोड़ते हैं बच्चों तो ये हो जा रहा 20,647, इसका आ जा रहा 10,324, इसका आ रहा 4,129 बच्चों। आइए इस साइड को भी हम लोग बराबर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी बच्चों, टू बैलेंस सीडी जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 20,647, 10,324 और 4,129। इसका भी हम लोग टोटल, इसका भी टोटल मार दें तो ये हो जाएगा 20,647, 10,324 और 4,129 बन गया ये आपका दोनों ही केस का प्रॉफिट एंड लॉस और साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक बार मैं फिर से इसको भी ला रहा हूँ, उसके पीछे आप लोग अगर इनका छूट गया हो तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो सवाल था मैं आपको इसको सॉल्व किया हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट की बात करें बच्चों, केस नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, इसका जो भी प्रॉफिट था मैंने इसको दिया, जो भी लॉस था यहाँ पर किया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी साथ साथ तैयार किया। इसी प्रकार इसका भी हम लोग तैयार किए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका लास्ट में मैंने यहाँ पर आपको सिखाया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरह का और भी वीडियो चाहिए। ओके थैंक यू। कट बट वो है।